For more offers and real money, please like and subscribe. And don't forget to press the bell icon. बताने जा रहा हूँ पेटीएम से कैसे अनलिमिटेड अर्निंग की जाए, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि पेटीएम अब पेटीएम वैलेट के साथ साथ एक पेटीएम बैंक भी हो चुका है। पेटीएम वैलेट को पेटीएम बैंक कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, किसी स्टोर में जा कर के वहाँ से आपको KYC जमा करना है और आधार कार्ड से इनसे लिंक कराना है। आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको भीम UPI। मैंने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले से ही इस अकाउंट को बैंक से लिंक कर लिया है और इसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है, KYC भी जमा हो चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस भीम UPI में जाना है। ठीक है, UPI में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, सेंड मनी, यहाँ पे सेंड मनी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस सेंड मनी पे क्लिक करना है आपको। मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न गारंटीड कैशबैक 2,000 रुपीज़, सेंड मिनिमम ₹50 टू अर्न कैशबैक एडेड इन 2 वर्किंग डेज। इसका मतलब हुआ कि आप अगर मिनिमम ₹50 UPI का ट्रांजेक्शन करते हैं किसी दूसरे को या अपने ही बैंक अकाउंट में, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको 2 दिन के अंदर 1,000 रुपीज़ का मैक्सिमम कैशबैक, 1,000 रुपीज़ का है, 1,000 रुपीज़ का कैशबैक आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 2 दिन का मेगा ऐड होने में टाइम लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन UPI एड्रेस, बैंक अकाउंट, आधार, यहाँ पे आप सिंपली क्या करना है, किसी UPI एड्रेस को यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं एक अपना UPI एड्रेस इंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने बैंक का UPI एड्रेस, दूसरे बैंक का UPI एड्रेस कर लिया, अब इसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद क्या करना है, अमाउंट में जा करके अमाउंट टू ट्रांसफ़र में ₹50 का अमाउंट इंटर करना है। ठीक है, और ये जो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है, आपको ध्यान रखे ये कि पेटीएम बैंक से ये अमाउंट ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र मैं कर रहा हूँ, कन्फर्म कर दिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको UPI पिन इंटर करना पड़ेगा। जब बैंक अकाउंट आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको UPI सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप कोई भी UPI पिन सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना UPI पिन सेट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपने UPI पिन डाल दिया है। अब ओके प्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो इस मनी सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए आपको 1 रुपीज़ से 1,000 रुपीज़ के बीच में कोई भी कैशबैक अमाउंट आपके वैलेट पर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम होप बटन पे क्लिक कर रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने क्लिक किया। ठीक है, शो बैलेंस, पेटीएम बैलेंस, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ₹84 हो गया है और बाकी का बैलेंस मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है अपने बैंक अकाउंट में। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैशबैक रिसीव्ड, ₹7 का कैशबैक यहाँ पे मिला है। डूइंग 7 UPI ट्रांसफ़र, मैंने 7 UPI ट्रांसफ़र किया था, उसके लिए मुझे 7 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको, ये सब कैशबैक ऐड हुए हैं मेरे अकाउंट में, ₹15 का, ₹13 का, ₹16, ₹18 का, देख रहे हैं जैसे ₹18 का 3 UPI ट्रांसफ़र के लिए मेरे अकाउंट में ₹18 टाइम ट्रांसफ़र है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेटीएम में अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। इसी कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड सेंड करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।